वेलकम। आइए हम लोग फिर से क्लास 12 के फॉन्ट साइज का सेकंड बुक से फोर्थ चैप्टर करते हैं। इसका नाम है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के विदेशी देशों के साथ जो संबंध है उनके बारे में हम बात करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है नॉन अलाइनमेंट। आपको पता है कि ये नॉन अलाइनमेंट की नीति जो है ये इस बात पे जोर देती है कि हम कभी भी किसी ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे, पावर ब्लॉक में नहीं जुड़ेंगे। और अगर हम किसी भी पावर ब्लॉक में नहीं जुड़ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि जो भी पावर ब्लॉक हैं वो दोनों हर वक्त इस फिराक में रहेंगे कि किसी तरीके से इस कंट्री को अपने में जोड़ा जाए। तो उस वक्त की बात, जब जिस समय की ये बात है उस वक्त दो पावर ब्लॉक थे, आपको पता है यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए अमेरिका हो गया और रशिया। तो चूंकि हमारी नीति गुट निरपेक्षता की थी, नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता की नीति थी, हम किसी भी पावर ब्लॉक में नहीं जुड़े, तो उसका फायदा क्या हुआ कि हमें असिस्टेंस सहायता मिलता रहा, किससे? यूएसए से भी और यूएसएसआर से भी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू। फिर बोलता है कि व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ आवामी लीग इन 1970। आवामी लीग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली हम बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका छोटा सा जवाब क्या है कि आवामी लीग जो है उसका मेन डिमांड था कि हम एक अलग से फेडरेशन बनाएंगे, हम एक संगठन समूह बनाएंगे। बोलता है व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ इंडिया एट द स्वेज कैनाल क्राइसिस। आपको पता है स्वेज कैनाल कहाँ है? अगर वर्ल्ड मैप उठा करके देखेंगे, ग्लोब उठा करके देखेंगे तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को यह जोड़ता है। इजिप्ट के बगल में है और ये स्वेज कैनाल बन जाने से क्या हुआ कि यूरोप के साथ जो हमारा डिस्टेंस था, पहले यूरोप से आते थे तो अफ्रीका के बगल से घूम करके आते थे, वो आप क्या हो गया, वो डिस्टेंस शॉर्ट हो गया, आप जल्दी से आ सकते हैं, बहुत बड़ा डिस्टेंस बच गया। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जब ये स्वेज कैनाल क्राइसिस आया था 1956 में, तब इंडिया ने किस नीति को अपनाया। इन 1956 व्हेन ब्रिटिश अटैक इजिप्ट, बोलता 1956 में जब अंग्रेजों ने इजिप्ट पर आक्रमण किया ओवर द स्वेज कैनाल इशू, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस नियो कॉलोनियल इन्वेजन। तो भारत ने क्या किया, इसका विरोध किया कि ये आप क्या कर रहे हो, तो ये आप एक नव साम्राज्यवादी आक्रमण कर रहे हो, नियो नव साम्राज्यवादी आक्रमण। तो भारत ने एक नव साम्राज्यवादी आक्रमण का विरोध किया। ये आक्रमण किसने किया था, ब्रिटेन ने किया था। क्या चाह रहा था कि इजिप्ट को कब्जे में लो, और मेन डील क्या था कि इससे स्वेज कैनाल से होने वाला जो ट्रेड है उसको कब्जे में करना। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ इंडिया एट द यूएसएसआर इन्वेजन इन हंगरी। बोलता है हंगरी पर जब यूएसएसआर ने अटैक किया 1956 में, तो इंडिया ने क्या किया। व्हेन द यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इट्स पब्लिक कंडेमनेशन। तो भारत में इसका जो सामाजिक और सामुदायिक विरोध होता है उस विरोध में भारत शामिल नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है India's relationship with her neighbors has been strained from the beginning. यहाँ पर तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है ये, क्यों? क्योंकि भारत की नीति जो है वो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है और उसमें हम लोग सभी जुड़ करके रहे। तो वैसे में ये कहना कि भारत का रिलेशन हमेशा अपने पड़ोसियों से दूषित रहा है, खटास वाला रहा है, वो नहीं। हम हमेशा अपने पड़ोसियों पर या पड़ोसियों के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं। और अगर हिस्ट्री उठा करके देखिएगा तो रिसेंट पास्ट में, बहुत पुराना बात कीजिएगा, चोर पांडे चेर किंगडम के समय में, उस वक्त अगर हमने कहीं इन्वेजन किया भी हो,
लेकिन जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री देखिएगा तो उसमें इंडिया ने आगे बढ़कर के कभी भी किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं किया है। हमारा हमेशा रहता है कि हम शांति प्रिय देश है, हमारी एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता संस्कृति है और उसमें हम सभी के साथ भाईचारा प्रेम, और हमारी जो पॉलिसीज भी रही हैं, चाहे हम नैम की बात करें या चाहे हम पंचशील पॉलिसी की बात करें, तो उसमें हर वक्त जो है हमने पीसफुल को एग्जिस्टेंस शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर ही जोर दिया है। क्वेश्चन 6 जो है उसमें पूछ रहा है कि रक्षा मंत्री कौन थे किस समय में भाई, तो जबकि चाइनीज इन्वेजन हुआ 1962 में, तो चीन ने जब 1962 में इंडिया पर अटैक किया था तो उस वक्त जो रक्षा मंत्री थे वो थे वी कृष्ण मेनन, इसको याद रखेंगे आप। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हु वाज द लीडर ऑफ आवामी लीग दैट वाज इलेक्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान इन 1970। आवामी लीग का नेता कौन था जब ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, तो जब ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो शेख मुजीबुर रहमान वहां के नेता थे। Which treaty was signed by India in August 1971 with which country? कहने का क्या मतलब है कि 1971 में भारत ने किसी से संधि की, तो उस संधि का नाम क्या था और वो किस देश के साथ? तो इंडिया साइंड अ 20 ईयर्स ट्रीटी ऑफ पीस, शांति की एक संधि को साइन किया जिसमें दोस्ती भाईचारे की बात की गई थी, और ये संधि किया गया था किससे? सोवियत यूनियन से। अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, उससे पहले तक सोवियत यूनियन के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे और इंडिया में बहुत तरह के इंडस्ट्रीज को लगाने में भी सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की है। या कई कुछ ऐसा भी सिनेरियो आया है जबकि वो मिलिट्रली आर्मी के तौर पर भी इंडिया के फेवर में खड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये संधि साइन करके इंडिया ने ग्लोबल एरेना में अपनी पहुंच और पकड़ को मजबूत बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द कोल्ड वॉर हैज अफेक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोल्ड वॉर जो है वो बेसिकली था तो यूएसए और रशिया के बीच में। यूएसए क्लोज था पाकिस्तान के साथ और रशिया जो है उसका हमारे साथ अच्छा रिलेशन था, तो चूंकि क्या है वो बेसिक वही फंडा है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, तो इसी फंडे के तहत रिश्तों में थोड़ी सी खटास जाहिर है वो आएगी ही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच कंसर्न्स, वो कौन से मुद्दे थे जो प्रतिबिंबित होते थे भारतीय विदेश नीति में जब हम आजाद हुए? तो जब हम आजाद हुए उस वक्त तो हमारी खुद की ही हालत खराब थी, हर तरीके से दंगे हुए थे और हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो स्कैटर्ड हो गए थे। आपको पता है कि जो हमारा इंडस्ट्री था उस वक्त का इंडस्ट्री, चाहे जूट इंडस्ट्री हो चाहे राइस इंडस्ट्री हो, उन सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे कि बहुत सारे लोग पार्टीशन के बाद इस कंट्री से उस कंट्री हुए, शरणार्थियों की समस्या थी, दंगों की समस्या थी, पूरे कंट्री को नए तरीके से बनाने की समस्या थी, और इतना डाइवर्सिटी के बाद भी हम यूनिफिकेशन यूनिफाइड रख सकें, उस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें और उसको यूनिफाई कर सकें, ये समस्या थी। तो ऐसे में हमारी नीतियों में भी वो चीजें झलक रही थी। सबसे पहला जो है वो चैलेंज ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी, यहाँ के जो लोग हैं उनकी भलाई हो, प्रजातांत्रिक मूल्य जो है वो मजबूत रहे, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उसमें हम कभी भी ना पड़े और हम कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना करें। आपको पता है कि आजाद होने के बाद हमारे ऊपर बहुत बार अटैक भी हुआ, पाकिस्तान भी किया चाइना भी किया, प्रेशर्स ऑफ द पार्टीशन उसको मिनिमाइज किया जा सके, और पॉवर्टी एलिवेशन गरीबी उन्मूलन जो है वो तो हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है।
बोलता है व्हेन वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइडेड, आपको पता है कि आजादी के समय जो है वो जब वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था तो उस वक्त भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो केरला में कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन उस कम्युनिस्ट पार्टी में भी दरार आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी भी दो ग्रुप में बट गया। तो यहां आपसे यही पूछा जा रहा है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटा, ऑन एंड विच न्यू पार्टी वॉज फॉर्म। तो कम्युनिस्ट पार्टी टूट करके कौन सी नई पार्टी बनी। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज डिवाइडेड इन 1964 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी टूटा ऑन द क्वेश्चन ऑफ टाइज विथ यूएसएसआर और चाइना। और इसका मेन टूटने का रीजन था ये कि हमें दोस्ती किससे रखना है, हमें रशिया के साथ रहना है या हमें चाइना के साथ, चाइना की पॉलिसी को फॉलो करना है। और कम्युनिस्ट पार्टी टूट करके जो ओरिजिनल कम्युनिस्ट पार्टी था उस वो टूट करके सीपीआई टूट करके सीपीआईएम बना, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। सीपीआई टूटा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टूटा और उससे एक नया चीज क्या बना, सीपीआईएम। ये एम जो है वो क्या है, मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट मतलब आपका रशियन इंक्लाइनेशन है, आप रशिया के टुवर्ड्स झुके हुए हैं, उस फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं। फिर बोलता है अगले क्वेश्चन में, व्हेन वाज सिमला एग्रीमेंट साइंड, सिमला समझौता जो है वो कब हुआ एंड हु वर इट्स सिग्नेटरीज। आज भी जब विवाद होते हैं पाकिस्तान के साथ तो इस समझौते की दुहाई दी जाती है। तो ये शिमला समझौता जो है ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया था। आपके साइंस की बुक में कार्टून भी दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो बैठे हुए हैं एक बेंच पे, वो कार्टून भी कई बार पूछता है। तो ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ये जुल्फिकार अली भुट्टो कौन है, तो बेनजीर भुट्टो के पिताजी हैं। बेनजीर भुट्टो को भी आपको पता है कि मार दिया गया था, बुलाया गया था उनको कि इलेक्शन लड़ो और एक रैली में मार दिया गया। और इंदिरा गांधी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख वाले मामले से रिलेटेड, तो उसमें इनकी भी हत्या कर दी गई थी 1984 में। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ये सिमला एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, और कब साइन कर रहे हैं, तो 3 जुलाई 1972। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन 13 में कि नेफा का फुल फॉर्म बताओ। तो नेफा जो है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज पंचशील। पंचशील का सिद्धांत जो है नेहरू जी ने दिया था, इसके अंदर 5 मुख्य बातों को रखा गया और हर बात इसी चीज पे जोर देती है कि हम शांतिपूर्ण पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इस भावना को डेवलप करें। और ये इस नीति को लाने वाले थे कौन, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। व्हाट वाज द मेन व्यू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंबेडकर जी के क्या विचार थे भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसके बारे में अंबेडकर जी के क्या विचार थे। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव्ड दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द यूएस ब्लॉक बिकॉज दैट ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी। तो अगर अंबेडकर जी के विचार को माने तो अंबेडकर जी चाहते थे कि हमें यूएस ब्लॉक के साथ अच्छे दोस्तानापूर्ण संबंध होने चाहिए, क्योंकि यूएस ब्लॉक खुद को क्या क्लेम करता था कि हम डेमोक्रेसी के समर्थक हैं। ऑब्वियसली रशिया जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री था और चाइना भी जो है वो भी कम्युनिस्ट कंट्री है अभी भी। तो चूंकि यूएस जो है वो खुद को डेमोक्रेसी का समर्थक बताता है तो हमें यूएसए के साथ जुड़ना चाहिए था, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर जी की मान्यता थी, ऐसा वो समझते थे, मानते थे। क्वेश्चन 16 है, व्हिच वर द टू डिस्प्यूटेड रीजंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। इंडिया और चाइना के बीच में विवाद के मुद्दे, अभी भी आपने कुछ दिनों पहले न्यूज में देखा होगा कि डोकलाम में संघर्ष हो रहा है, यहां हो रहा है, वो एक लेक है लेक के बगल में और दोनों तरफ से सेना जो है वो हाथ से लड़ रहे हैं और उसमें अच्छी खासी जान माल की क्षति भी थी और अभी तक वो डिस्प्यूट चल ही रहा है। तो बेसिकली जो डिस्प्यूटेड रीजन है, विवादित क्षेत्र, वो कौन से हैं, अक्साई चीन, और दूसरा कौन सा है, लद्दाख रीजन, और तीसरा नेफा।
नेफा के फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चीन जो है हर वक्त इन इलाकों में घुसपैठ करता है और जबरदस्ती इन्हें हड़पने की कोशिश करता है। तो आप तो पूरे विश्व को यह मालूम है कि चीन की हमेशा से विस्तारवादी नीति रही है और उस विस्तारवादी नीति में किसी भी तरीके से कुछ भी करके आप दूसरे को हड़पना चाहते हैं, दूसरे के टेरिन को। और आज की डेट में इंडिया, वैसे तो इंडिया हर वक्त से इसका विरोध करता रहा है, ठीक है, लेकिन अब वो विरोध जो है वो ज्यादा प्रखर है, ज्यादा मुखर है, और इसे और भी मुखर करने की आवश्यकता है, स्ट्रेटजिकली वहां पर देखने की आवश्यकता है, ताकि हमारा एक इंच जमीन भी उसके कब्जे में और ना जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत दबा रखा है और जो दबा हुआ हिस्सा है वो भी वापस मिले, इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को मैच करना है। तो चार चीज़ों को मैच करना है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला जो है वो है बांगडुंग, जगह का नाम है। बांगडुंग में क्या हुआ था, एशियन कॉन्फ्रेंस। बेलग्रेड वो जगह है जहाँ पर फर्स्ट नैम सबमिट हुआ था। नैम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट। आपको इसके लीडर्स के नाम भी पता है कि नेहरू जी थे, मोहम्मद नासर थे, वाने क्रुमा थे और टीटो, ये चार लीडर थे। मैं फिर बोलता है कि सिमला एग्रीमेंट, तो सिमला एग्रीमेंट के बारे में तो अभी आपने पढ़ा कि 1972 में हुआ है और किस किस ने साइन किया है, तो इंदिरा गांधी जी ने और इसने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने। और फिर ये क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको एनपीटी बोलते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछता भी है कि एनपीटी का फुल फॉर्म लिखो या सीटीबीटी का फुल फॉर्म लिखो। तो ये जो है ये 1968 में साइन किया गया। और इंडिया जो है इसका भी विरोध करती है। क्यों? क्योंकि ये टोटल जो डील है वो ये है कि पांच सुपर पावर है, पांच वो वहां पे मेंबर है, सिर्फ उनकी मोनोपोली बनी रहे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अगर कोई वर्ल्ड फोरम बना रहे हैं या कोई ऐसी संधि हो रही है तो वो सबके हित में हो, सबके फायदे में हो। तो थैंक यू बने रहने के लिए।